अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब न्यूज़ से खुर्रम शहज़ाद आपकी खिदमत में। नाज़रीन, इस वक्त हम फरहान उस्मान सुपरस्टार जो ऑर्गेनाइज़र है उनके फैशन शो की रिहर्सल के अंदर मौजूद है। हमारे साथ बड़े हसीन हसीन चेहरे और बड़े कॉन्फिडेंस वाले चेहरे, हमारे साथ एक फीमेल मॉडल खड़ी हुई हैं, इनके साथ ही हमने जो है इंट्रो लिए, इस वजह से कि ये फुल कॉन्फिडेंस है कि ऐसे लेवल के शो होने चाहिए और ऐसे लेवल पर काम करना चाहिए, पैकेज पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह आपको रिहर्सल भी दिखाएंगे और इनका कॉन्फिडेंस वाला इंटरव्यू भी लाजमी दिखाएंगे। चलते हैं जी। नर्वस जी के साथ काफ़ी हद जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैशन पहले है, वैसे पिशावर में मैंने किया है। अच्छा, वो पिशावर तो वैसे भी डर का इलाका है, जहाँ पे पिशावर का नाम सुनते तो बंदा कहता है। सिस्टर ने करवाया था इवेंट तो उधर मैंने किया था। लाहौर में जो अभी फैशन शो कर रही हूँ, क्या लगता है वो रिस्पॉन्स मिले? नहीं, मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट जाती हूँ, मॉडल को रेडी वगैरह की है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मॉडल में रहने गए जी। रैम कर अभी जो रिहर्सल होने वाली, क्या लगता है कि उस रिहर्सल में हो जाओगे सिलेक्ट? हाँ। अच्छा, मुझे एक लास्ट बताइएगा कि लड़की जो फीमेल मॉडल होती है वो पैकेज पे ज़्यादा तवज्जो देती है कि अच्छे शो पे? अच्छे शो पे। आउट ऑफ सिटी से मॉडल्स आती हैं, आपको पता थोड़ा सा बैकवर्ड होता है, उनका चेहरा इतना ग्रोम नहीं होता, तो उन पे ज़्यादा मेहनत लगती है? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं। वो कवर करना जो है ना, वो एक बंदे का अपने हाथ में होता है, मतलब एक टैलेंट होता है। तो क्या फील करते हो छोटे लेवल पर आके, बड़े लेवल से छोटे लेवल पर आके, थोड़ा सा लगता है ऐसा? बहुत अच्छा फील होता है जी। एज अ मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं इस फील्ड में। क्या मुश्किलात क्या थी एक फीमेल मॉडल में मेकअप करने में, सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या? मुश्किलात अगर तो आप इजीली कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, कोई मुश्किलात नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अमूमन ये देखा गया कि कहीं का चेहरा जो है बड़ा क्लीन होता है, बड़ा मज़ा आता है मेकअप करते, कहीं के थोड़े से डिबेटिव भी होते हैं वो तो? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है। जिनका चेहरा बहुत क्लीन होता है ना, उनका मेकअप करने में ना बहुत मज़ा आता है, लेकिन जिनका थोड़ा सा फेस ब्लैक स्पॉट होते हैं, उनका थोड़ा कवर करना मुश्किल होता है, लेकिन इजीली हो जाता है। फास्ट कितनी देर में एक मेकअप आर्टिस्ट जो है कि फीमेल को तैयार कर लेता है कैजुअल लुक में? 25 मिनट्स में जी। आपकी सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो कौन सी है, कैजुअल है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न में, जिसमें आप सबसे फास्ट तैयार कर लेते हैं? एवरीथिंग एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिजली ऐसे ही है, पैकेज अच्छा मिलेगा तो हर लड़की इंटरेस्ट लेती है इस चीज़ में। मींस टू से कि सिर्फ पैकेज के लिए फीमेल्स काम करती हैं? डेफिनेटली। अगर आज आप देखें कि आज की जनरेशन ऐसी है कि बिना पैसों के कोई काम नहीं है, मतलब लेवल नहीं देखती, ऐसे ही है। तो इससे प्रमोशन कैसे होगी? बिल्कुल होगी, अगर अच्छे आप जैसे अच्छे लोग आएंगे तो प्रमोशन होगी। तो हम तो प्रमोशन देते हैं, लेकिन बात ये कि जब आप अच्छे लेवल पर काम ही नहीं करोगे तो आपकी प्रोफाइल तो अच्छी नहीं बनेगी। हाँ, अपॉर्चुनिटी मैं कहती हूँ लड़कियों को अचीव करनी चाहिए। अगर अगर पैकेज नहीं भी है तो उसको एक डिनाई करके, एक साइड पे रख के, एक लेवल को देख के, तो उनको अचीव करनी चाहिए अचीवमेंट्स जो भी मिलती हैं उनको। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। आज बड़ी फ्रेश लग रही रहती हूँ। मॉडल किसी ने माशाल्लाह, कोई मॉडल ऐसी होती है जो देखने में कहती मॉडल नहीं लगती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये फरहान उज़्मा का जो शो है ये कम से कम 2 साल के बाद आ रहा है, तो आप तो पुरानी मॉडल्स भी हो, क्या लगता है कि इस मियार का जो शो है वो अटेंड करना लाजम? जी बिल्कुल, न्यू टैलेंट के लिए आपको पता है कि यही मौका होता है कि उनके लिए करना, और माशाल्लाह से मैं काफ़ी अरसे से इनके साथ चल रही हूँ, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं और न्यू कमर्स को चांस देते हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो गर्ल्स चांस मिस ना करें बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? मैं ठीक। बड़ी फ्रेश नजर बिल्कुल। मॉडल हैं इस वजह से या वैसे फ्रेश? नहीं, एक्चुअली मैं माहौल देख के बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ खुद को। यानी कि हमें देख के, मीडिया वालों को देख के वैसे फ्रेश है? नहीं, वैसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक फीमेल मॉडल जो है वो पैकेज को ज़्यादा डिपेंड करती है कि अच्छे लेवल को? अच्छे लेवल को, जैसे प्रमोशन मिलती। बिल्कुल। आजकल लड़कियाँ जो छोटे छोटे जो पैकेज पर आ जाती हैं काम करती हैं, उनके मतलब क्या कहना चाहिए? बहुत गलत करती हैं अगर पैकेज को करती हैं तो। एक्चुअली लेवल देखना चाहिए और एक्सपीरियंस लेना चाहिए हर चीज़ का। कैसा तजुर्बा रहा फील्ड में? बहुत अच्छा। अच्छे लोग मिले? बहुत अच्छे लोग मिले। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है गिव एंड टेक का, लड़कियां बड़ी इससे डिप्रेस होती हैं, आप क्या कहती हैं? बहुत गलत करती हैं, अपने टैलेंट की बुनियाद पे हर चीज़ करनी चाहिए, गिव एंड टेक पे तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो टैलेंट वाले होते हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं। प्रमोशन के लिए अच्छे फील्ड में अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए कि बस जो पैकेज दे रहा है उसको आंखें बंद करके चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अखलाक देखना चाहिए अगले का, बिल्कुल भी पैकेज ना हम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस के लोग हैं पूरा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि फर्स्ट टाइम घर से निकली है शो के लिए, कोई मुश्किलात का सामना है? ऑब्वियस बात है, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है घर से निकलना, हर चीज़ को फेस करना, लोगों को, बातों को, एक लड़की को लड़का बनकर घर से निकलना पड़ता बाहर, और स्पेशली इस इंडस्ट्री में। मजबूरी या शौक?
शौक। शौक एक होता है कि शौक आपको बड़ा आगे ले जाता है, लेकिन वो बड़े गलत रास्ते पे चला जाता है। वो शौक है कि लिमिटेड शौक? नहीं नहीं, अपनी लिमिट में रहकर शौक है मुझे, और मैं दिखाऊंगी अपने काम से कि लिमिट में रहकर भी काम किया जा सकता है। कैसे लोगों का सामना करना पड़ा अभी तक? ऑब्वियस बात है, रिश्तेदार और फिर इर्द गिर्द के लोग, लेकिन उस चीज़ को ओवरकम करके मैं बाहर आई हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं आगे तक जाऊँ। मॉडल पे ना एक थंब लग जाती है, एक स्टैंप लग जाती है कि यही मॉडल है, तो उसका फिर वो जो नेगेटिव जो है आंसर बड़ा मुश्किल होता है, फैमिलीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनता है। तो क्या कहते हो, आगे जाके कोई प्रॉब्लम को सेव कर सकोगे? करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार कदम बाहर निकाल ही लिया है तो फिर उस पर चलना पड़ेगा। क्या लगता है कि आगे जाके पैकेज के लिए काम करोगी कि अपने शौक के लिए, जो शौक करना चाहती है? नहीं नहीं, मुझे शौक है, फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, मुझे शौक है, शुरू से शौक है, बचपन से, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी। बताओ, एक फीमेल मॉडल के लिए लोग बड़ा कहते हैं जी फिगर बड़ा होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, इस चीज़ को वाकई सही है? मॉडल लुक के लिए ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट एक मॉडल के लिए ना करेक्टरफुल होना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल कंट्री में देखा जाए ना, ओवरऑल कंट्री में आपके फिगर हाइट्स को मेंशन नहीं करते, वो काम को ज़्यादा मेंशन करते, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड है कि सिर्फ ये लोग इस चीज़ को मैटर करते। क्या कहना चाहोगे इस मतलब? ऐसा है कि बाहर वालों की अपनी सोच है, इधर पाकिस्तान वालों की अपनी सोच है, लेकिन बात यह है कि वही वाली बात कि अगर मॉडल है, घर से बाहर निकली है, तो उसको सबसे पहले अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल रख कर आगे चलना चाहिए। काम जैसा भी हो, लोग बात करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप ठीक हो, अल्लाह की नज़र में भी और अपनी नज़र में। क्या कहते हो, जो आजकल काम मिल रहा है गिव एंड टेक के अलावा काम नहीं मिलता, तो इस ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो सबसे पहले होना चाहिए काम। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके मिशन को कामयाब करे, आपको अच्छे लोग मिले। थैंक यू सो मच। आमीन। थैंक यू सो मच। ओके, फ्रेश लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, फुल कॉन्फिडेंट। यस, होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। फीमेल मॉडल में होना चाहिए कि काम लड़की है? हर लड़की में होना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल, हर लड़की में होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कॉन्फिडेंस लेवल किसी जगह पे लूज भी हो जाता है। नो, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस ही तो आपको ऊपर लेके जाता है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में आप कितना टाइम लगाते हैं? इट इज़ नेचुरल, यस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो आजकल फीमेल्स मॉडल है ज़्यादा पैकेज पे डिपेंड करती है कि पैसे इधर मिल रहे हैं, वो ये नहीं देखती लेवल कौन सा अच्छा है या बुरा है। क्या कहती हो कि हाई लेवल पे काम करके प्रोफाइल बनानी चाहिए या लो लेवल पे पैकेज लेके बस ठीक है? नहीं, आपको पहले अपना लेवल अचीव करना चाहिए, आपको अपने लेवल को समझना चाहिए, हु इज आई एम, अपनी क्लास बनानी चाहिए। आपकी क्लास अच्छी होगी, आपको ऑटोमेटिकली हाई लेवल से ऑफर आएंगे। एक बड़ा कड़वा सा सवाल है, मुझे ये बताओ, लड़कियाँ जो आजकल फीमेल्स आ रही हैं शोबिज में, बड़ा गिव एंड टेक एक दौर चल रहा है, क्या कहते हो, गंदे लोग भी हैं, तो ऐसे मतलब क्या कहना चाहोगे? देखें, हर चीज़ के दो पहलू हैं, दो रास्ते हैं, आप पे डिपेंड है, आपने सही रास्ता अख्तियार करना है या गलत रास्ता अख्तियार करना है। ये रास्ता जा रहा है, इस पर ये लिखा है सही, आप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, इट इज़ योर चॉइस। पैकेज पे भी बड़ा डिपेंड करिए, पैकेज जैसे मतलब आप अगर अच्छा रास्ता अख्तियार करेंगे वो आपको अच्छी मंजिल पे लेके जाएगा, अगर आप गलत वे, इफ़ यू चूज अ रॉन्ग वे, तो आपको पता है गलत रास्तों का अंजाम गलत ही होता है। थैंक यू सो मच, जस्ट वेलकम।